हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन और इसके हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन, ऑप्शन ए है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आयनाइजेशन है वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। बी है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भी आयनाइजेशन के बिहाव पे हमने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। ऑप्शन सी डाइल्यूशन, ऑप्शन डी मॉलिकुलर वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें जो क्वेश्चन है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन किस पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी, मॉलिकुलर वेट है उस पर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2, पीएच ऑफ रेन वाटर इज, रेन वाटर से रिलेटेड जब पीएच का कोई क्वेश्चन आए तो उस पर हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि वाटर की पीएच से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है कि रेन वाटर और वाटर की पीएच अगर है तो वो होती है 7, लेकिन अगर एसिड रेन लिखा हुआ है तो फिर वो एसिडिक नेचर की हो जाएगी, वो होगा बिलो 7। लेकिन यहाँ जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन नंबर 3, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज। तो अभी हमने देखा था कि वाटर की जो पीएच है या रेन वाटर की पीएच है वो हमेशा क्या होगी 7, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पीएच स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये हमें याद ही रखने पड़ेंगे, सोरेनसन ने दिया था पीएच स्केल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विथ अ इंक्रीज इन टेम्परेचर द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीजिज डिक्रीजिज रिमेन अनअफेक्टेड मे इंक्रीजिज और डिक्रीजिज। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर से रिलेटेड पूछा है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो इसका आयनिक प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा इंक्रीज, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, फर्स्ट है मोलरिटी, मोलरिटी की यूनिट होती है जैसा कि हमें पता ही है मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, फिर है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी जो बी ऑप्शन है इसकी यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन सी है हमारा ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है मोल फ्रैक्शन और ऑप्शन डी दिया हुआ है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर। ये जो तीन ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन तीनों की यूनिट्स हमें पता है, तो इसमें जो इसका आंसर होगा राइट आंसर, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ब्लैंक इंटू मोलिकुलर मास, तो जो स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला होता है मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट्स, इसमें जो ऑप्शन ए है मोल फ्रैक्शन, जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि मोल फ्रैक्शन है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, और मोलरिटी की यूनिट होती है, मोलरिटी की भी यूनिट होती है, स्ट्रेंथ की भी यूनिट होती है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है मोलरिटी उसकी यूनिट होती है, तो यहाँ ऑप्शन बी सी और डी ना होके राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ जो चेंजेज होते हैं जिनमें वो है स्ट्रेंथ और मोलरिटी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ए बफर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट इज डाइल्यूटेड विद वाटर, इट्स पीएच विल, और ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज इंक्रीज नॉट चेंज बिकम 7। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ध्यान से देखना है कि जब बफर सॉल्यूशन है, बफर का मतलब ही क्या होता है, बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसकी पीएच है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती, तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉट चेंज। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एन एक्वस सॉल्यूशन हुज पीएच इज इक्वल टू 2.4 इज, हमें पता है कि बिलो 7 जो भी पीएच होती हैं वो होती हैं किस नेचर की, एसिडिक, तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।